मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 67 बीजेपी विधायकों की सांसद की हुई है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों की शुरुआती 4 लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से आधे से अधिक विधायकों का टिकट कट सकता है। ये वे नाम होंगे जो सरकार और संगठन के अलग अलग सर्वे में पिछड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी जगह पार्टी नए लोगों को मौका देकर जनता की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि जिन 67 विधायकों का टिकट रोक कर रखा गया है उनमें से 9 मंत्री भी शामिल हैं। इस तरह 29 ऐसे वर्तमान विधायक हैं जो 2 से 6 बार तक चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। वहीं जो टिकट के इंतजार में बैठे हैं उनमें 5 बार के एमएलए सीता शरण शर्मा प्रमुख हैं। वे शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी तरह 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन का भी टिकट होल्ड पर है। मौजूदा विधायकों की सूची में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, महेंद्र हाडिया, देवी सिंह सयाम और हरिशंकर खटीक भी शामिल हैं। अपने समय के दिग्गज नेता स्वर्गीय विक्रम वर्मा की पत्नी नीना वर्मा और राजेंद्र पांडे जैसे नेताओं के नाम भी चौथी सूची में जगह नहीं पा सके। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 57 विधायकों को पार्टी ने टिकट दे दिया है, लेकिन जिन विधायकों के नाम इस सूची में नहीं है उन पर टिकट कटने की तलवार लटकी हुई है। बीजेपी ने अभी तक 60 मौजूदा विधायकों में से सिर्फ 3 के टिकट काटे हैं। इन 3 में से 2 विधायक वे हैं जिनकी जगह पर सांसदों को उतारा गया है। दरअसल सीधी से सांसद रीति पाठक को विधायक केदार शुक्ला के स्थान पर उम्मीदवार बनाया गया है। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर मैदान में उतारा गया है। और इसी तरह इंदौर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट रोककर उम्मीदवार बनाया गया है। अब माना जा रहा है कि आकाश विजयवर्गीय का टिकट भी अधर में लटक गया है। आगामी विधानसभा चुनाव पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।